वहीं हरियाणा चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार बाजी मारी है, लेकिन इस जीत में यूपी के सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक चर्चा में है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट सबसे ऊपर रहा। सीएम योगी ने चुनाव प्रचार को नतीजों में बदलने में फर्स्ट डिवीजन हासिल किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक हुई। प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी और तीसरी पारी में नायब सिंह सैनी की सरदारी तय हो गई। लेकिन हरियाणा में बीजेपी के जीत के सूत्रधार रहे यूपी के एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ। वैसे तो एक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ के तरकश में कई तीर हैं, जिनसे वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को धराशायी करते रहे हैं, लेकिन चुनावी युद्ध पर योगी ने जिस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया वो था हिंदुत्व, और योगी आदित्यनाथ ने पूरे चुनाव में हिंदुत्व के शस्त्र का जमकर इस्तेमाल भी किया। पटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बटेंगे तो कटेंगे, ये बयान योगी ने पहली बार उत्तर प्रदेश के आगरा में दिया था। कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था, लेकिन उसके बाद हरियाणा की लगभग हर चुनावी रैली में उन्होंने इसे दोहराया। जिन 7 सीटों पर योगी मैजिक चला, उनमें सफीदों, नरवाना, असंध, फरीदाबाद NIT, भवानी खेरा, हांसी, पंचकुला विधानसभा सीटें शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव के बाद हम 1,00,000 रुपए हर एक गरीब को देंगे, और खटाखट खटाखट योजना के माध्यम से इनसे बोलना चाहिए। कहा है वो खटाखट? कांग्रेस से थोड़ा पूछिए, और जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। हरियाणा में कांग्रेस की सारी उम्मीदें, सारा उत्साह और सारा जोश नतीजों के ऐलान के साथ ठंडा हो गया। हरियाणा में वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया, लेकिन नतीजों के बाद राहुल की रैलियों का हरियाणा के मूड पर कुछ खास असर होता नजर नहीं आया। मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में कुल 8 रैलियां की। राहुल ने जिन सीटों पर सीधे तौर पर चुनाव प्रचार किया, उनमें सिर्फ 3 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई, बाकी 5 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। इस तरह राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट करीब 38% का रहा। राहुल गांधी के प्रचार वाली सीटों में से नूह, थानेसर और नारायणगढ़ में कांग्रेस कैंडिडेट जीते, जबकि महेंद्रगढ़, सोनीपत, सोहाना, बरवाला और असांध में बीजेपी ने जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।